हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के मेंसुरेशन के चैप्टर के बारे में, और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस किया था, और हम इस वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, और हम ट्राई करने वाले हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक, इजी वे में। आइए हम इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की हाइट को फाइंड आउट करना है, हुज बेस, जिसका बेस कितना दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक। देखिए अब इसको समझते हैं फिगर के थ्रू। ये आपका क्या है, इस तरीके का आपका होता है क्यूब, ये है आपका क्यूब, सॉरी क्यूबॉइड है, क्या है क्यूबॉइड, ठीक है। यहां से इसको हम और थोड़ा सा ये रहा आपका क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के बेस का एरिया दिया है, अब क्यूबॉइड का बेस कौन होता है, ये आपका क्या होता है, ये वाला जो निचला हिस्सा है यानी बॉटम, ये आपका होता है बेस, क्या होता है ये बेस होता है, क्यूबॉइड का बेस, बेस का एरिया दिया है। अब बेस के एरिया में कौन कौन से डायमेंशन आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है लेंथ, और जो दूसरा डायमेंशन है वो क्या है ब्रीथ, यानी कि बेस के एरिया में कौन कौन से डायमेंशन आ रहे हैं, बेस में लेंथ और ब्रीथ आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर चूंकि जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, तो यानी कि जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, और रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ, और लेंथ इनटू ब्रीथ यानी कि इस बेस का एरिया जो है रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, तो इसका एरिया गिवन कितना है, वो गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका गिवन है, ठीक। और फिर एक चीज़ और गिवन है, वो क्या गिवन है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद हमको ये पता होता है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला ना, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला होता है। और ये जो 900 सेंटीमीटर क्यूब है ये एल इंटू बी इंटू एच के इक्वल है। अब हमको यहीं से क्या निकालना है, जब दो चीज़ें हमको गिवेन है तो हमको इसकी हाइट की वैल्यू को निकालना है, इस क्यूबॉइड की हाइट, यानी इसकी हाइट क्या होगी, ठीक। तो आइए हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट टू पूरे की वैल्यू गिवन है, वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो एल इंटू बी है ये किसके इक्वल है, ये इसके बेस के एरिया के इक्वल है कि नहीं है ना, इसके एरिया के इक्वल है कि नहीं है, तो इसके एरिया के इक्वल है, तो यहाँ पर हम एल और बी की वैल्यू रख दें तो एच की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं एल और बी की वैल्यू को। एल इंटू बी की वैल्यू है कितनी, वो है 180 सेंटीमीटर, ठीक, या जगह सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू एच है यहाँ पर इंटू एच, ये किसके इक्वल, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है 900 के इक्वल है, ठीक। अब ये आपका इधर मल्टीप्लाई में है, ये किस में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, क्योंकि ये आपका वॉल्यूम है। अब ये आपका इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर एच हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब अपान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर से यहाँ पर क्यूब मतलब कट जाएगा, यहाँ तक एक सेंटीमीटर बचेगा, सेंटीमीटर बच जाएगा, और यहाँ पर 185 जा होता है 900, कितना होता है 185 जा 900 होता है, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5, और यहाँ पर कितना बचा सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, तो फाइनली हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस क्यूबॉइड जिसका बेस
इतना जिसका बेस 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका हो गया फाइनली आंसर। तो हमने इस क्यूबॉइड की हाइट को कितना फाइंड आउट किया है, वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा पूरा आपका क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।